साधु संतों को बैरागी कहा जाता है, जो कि मोह माया को त्याग कर धर्म के प्रचार प्रसार में अपना जीवन लगा देते हैं। इसमें ब्रह्मचारी संतों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन आजकल अपने आप को सबसे बड़ा संत कहलाने वाले संत ही अपनी आंखों में गृहस्थ जीवन का सपना लिए हुए हैं। ऐसे में ये संत अभी से ही अपने भक्तों के बीच शादी का माहौल बनाने में लगे हुए हैं, जिससे शादी के बाद उनकी लोकप्रियता में किसी तरह की कोई कमी न आए, भक्त कहीं उनसे दूर न जाएं। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन शास्त्री देश के बड़े बड़े संतों से अपनी शादी के लिए माहौल तैयार करा रहे हैं। मैं वचन देखे जा रहा हूँ, मुझे धीरेन्द्र कृष्ण का विवाह करना है। मुझे इस गद्दी को विरक्त नहीं बनाना, क्योंकि ये गृहस्थों की ही गद्दी है। और यदि मेरी कथा को बचाकर तिथि तय होगी तो उसमें बारात में आऊंगा। मॉडर्न युग की मीरा कही जाने वाली कथावाचक जया किशोरी भी शादी के लिए छटपटा रही हैं। ऐसे में कथावाचक जया किशोरी भी अपनी शादी के लिए काफी समय से माहौल बना रही हैं। वे कई मंचों से इसका ऐलान भी कर चुकी हैं। जया किशोरी का तो यहाँ तक कहना है कि वह कोई संत नहीं है, वह भी एक साधारण लड़की है और अपनी पिता की इच्छा के पालन के लिए वह शादी करेंगी। करनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कोई साध्वी हूँ या साधु हूँ या संत हूँ। मैं एक साधारण लड़की हूँ, जैसे हर घर की बच्ची होती है। और जैसा आप कहते हैं, पिताजी ने कहा, तो हर माता पिता को ये एक समय के बाद होता है कि बेटी की शादी भी करनी है, लेकिन उसमें अभी बहुत समय है, पर जरूर करेंगे। जैसे हर एक साधारण लड़की अपना जीवन जीती है, उसी प्रकार मेरा भी जीवन है। लेकिन बस मैं साथ ही साथ कथा भी करती हूँ, और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मैं इस कथा को करना छोड़ूं। मैं हमेशा ठाकुर जी का गुणगान करती रहूं, जब तक भगवान चाहे, उनकी कृपा हो। ऐसा नहीं है कि किसी संत ने इससे पहले शादी ना की हो, इनसे पहले भी कई संत गृहस्थ जीवन अपना चुके हैं, जिसमें जाने माने संत भय्यू जी महाराज भी शामिल हैं। हालांकि इनका गृहस्थ जीवन काफी विवादों में रहा है। द सूत्र डेस्क रिपोर्ट। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।